देखिए जी भैया, हम गोपाल यादव ये बक्सर बिहार से ये बक्सर के बड़ाई गावे जा रहा बानी। आ हमरा उम्मीद बा कि गीत आप लोगों के पसंद आई। ये बक्सर के ऊपर कवि जी चार लाइन भूमिका लिखलन का मास्टर साहब। सीधे आश्रम तपो भूमि बगसरी की धरती, सिद्धो न सिद्धि यही आके पाए, ऋषि मुनियों का यहाँ पे था जम घटी, ध्यानी यही ध्यान आकर रमाए, बामन की जन्म स्थली बगसरी की धरती, भोले शंकरी की पिंडी जो खुद गए बनाए, रावण का भी दब दबा था कभी आके मारिच सुबाहू थे हलचल मचाए। एक लाइन तर्ज लगल उहे तर्ज के लाइन में मार साहेब। अरे दीवाना मैं हूँ तेरा, अरे दीवाना मैं हूँ तेरा, मैं तुम्हें बता दूंगा। बहुत अच्छे, क्या बात है जियो लाल। अरे दीवानगी में तेरी, अरे दीवानगी में तेरी, अरे दीवानगी में तेरी जान भी लुटा दूंगा। मगर पूरा बिरहा के निचोड़ हमर कवि जी लिख रहा हुआ। अरे प्रभु का नाम राम, अरे भज के राम सीता, भज के राम सीता सबको मैं सुना दूंगा। अरे जियो लाल, जो बक्सर के धरती ऐसा है कि पूरा दुनिया के रक्षा बक्सर के धरती कैले भी अपनल भैया। बक्सर के धरती कौन ऑर्डिनरी धरती ना ही हो। बक्सर के धरती के हमनी के महानता कैसे बढ़ल कवि जी लिखलन। अब हमनी के कहानी के एजे से होता शुरुआत। कहानी पर अगर आप लोगन ध्यान लगा के सुनब जा तो कहानी साफ साफ समझ में आ जाए। सुनिए ध्यान से कहानी मैं सुनाता हूँ, सुनिए ध्यान से कहानी मैं सुनाता हूँ, भक्ति भजन का मगन में गीत गाता हूँ। जोग जप तप से रावण शिव को पुकारा है, पाकर अपार बल देवताओं को हराया है। गाधी सुवन को, गाधी सुवन को चिंताएं मन में व्यापी है, हरी मरेगा नहीं रावण बड़ा पापी है।
तपस्या में धैले ध्यान भी स्वामित्र जी तपस्या में शक्ति छीड़ हुई घिर गयो समस्या में। जग कर रोज जाकर विष्णु जी पठाए हैं, जग कर रोज जाकर विष्णु जी पठाए हैं, असुर हवन की गंध पाकर के बौखलाए हैं। अरे जियो टाइगर, क्या बात है, बहुत अच्छा। तनी बात के समझ लीजा, कहानी वो समय के बा जौनी समय लंका पति रावण शंकर भगवान के पूजा करके, अर्चना करके, वंदना करके रावण शक्तिशाली हो गई बा। आज जौनी समय रावण शक्तिशाली हो गई बा, ए पृथ्वी पर अपन अत्याचार फैलावे लगल बा। इतना अत्याचार रावण फैलैले बा कि पृथ्वी पर नाग देवता गंधर्व किन्नर आज रावण से टक्कर लेने वाले कोई नहीं है। इतना रावण अत्याचार फैला देले बा, ई रावण के अत्याचार यही बक्सर के धरती पर रहे वाला महात्मा विश्वामित्र जी से सहन ना भइल। विश्वामित्र जी राक्षसन के सफाया करे बदे, रावण के सफाई करे बदे का करतरन, तारिका सुबाहू जी से राक्षसन के बुला के विश्वामित्र जी के जग में विघिन बाटे रावण डालत। कैसे भैया? अरे तारिका सुबाहू जग ना सकैले, तारिका सुबाहू जग ना सकैले, झखल फूस के मरैया में कैसे के जग हमार, कैसे के जग हमार पूरा होई, चिंता भइल बा बुढ़ैया सपन में शिव अइले हा, राम के जन्म बताइले हा, अवध नगर में जन्म भइल, सुते पलान बाबा खाइले हा, कैसे के जग हमार पूरा होई, चिंता भइल बा बुढ़ैया में। विश्वामित्र जी आज चिंता में बाणन कि हम जग बानी करत, आई तारिका सुबाहू आके हमार जग में विघिन बांस डाल। परेशान हो गिलन महात्मा विश्वामित्र जी, आ परेशान हो के अपने गुरु शिव के याद कैलन। आ जौनी समय विश्वामित्र जी शिव जी के याद कैलन, शंकर भगवान अलन आ कलन कि हे विश्वामित्र, ये जग तुमसे नहीं पूरा होगा, इस जग को पूरा करने वाले भगवान राम का जन्म अयोध्या में हो चुका है। अब भैया जौनी समय बतिया विश्वामित्र जी जनन की भगवान राम के जन्म अयोध्या में हो गई बा, वही घड़ी ये बक्सर के छोड़ के अयोध्या की ओर चल दिया। आ धीरे धीरे महाराज दशरथ जी के यहाँ पहुंच गिलन, आ उनकर कैसे सेवा बाण करत महाराज दशरथ जी। आदर कर सत्कार अवधपति, अब आसन पर बैठाए हैं,
राम लखन को दान में दे दो, याचक बन कर आए हैं। दशरथ जी विश्वामित्र जी के बहुत सेवा बान करत। विश्वामित्र जी कलन की देखी हम बक्सर में जग बानी करत, हमरा के रूरा राम लखन के दे दी ही, तबे हमर जग पूरा हो। दशरथ जी चिंतित हो गिलन कलन की है छोट छोट हमर लड़का कैसे ताड़िका सुबाहू से युद्ध करी जान, लड़ाई के होके काम तरूरा हमरा के लिया चली। दशरथ जी बतिया सोच करके अपने मन में विचार कर लगलन और रोवे लगलन, तर्ज ऐजे लगल हुए तर्ज के लाइन बा। अरे काहे खिसियात बड़ू जान ले बुका हो, दशरथ जी रो रहा बाना कहतन कि महाराज ई रूरा का मांग रहा बने, मांग ही के रहला था मैं हमार राज मांगल रहती, बाकी रूरा राम लखन के मांग के अच्छा नहीं कर रो रहलबन। और रोवल सुन के आज महात्मा कुल गुरु वशिष्ठ मुनि अलन, आ वशिष्ठ मुनिया के महाराज के समझा रहा बन किसी भैया विदेशी के भाव लगल मस्त। अरे भैया गुरु वशिष्ठ बहु भांति समुझले, सुजाब सकामई जोग गुरु ज्ञान मिली जग में सम्मान मिली, कुलगुरु वशिष्ठ मुनि अलन आ कलन की महाराज विश्वामित्र मुनि के रूरा समझत नहीं खी, ई बहुत बड़ मुनि हवन, अगर राम लखन के लेके जाई हन तई लोग के बहुत मान सम्मान मिली, ऐसे रूरा राम लखन के बक्सर के धरती पर भेज दी ताकि विश्वामित्र जी के राक्षसन के नाश करे वाला जग पूरा हो जाए। आज वशिष्ठ मुनि के बात मान के दशरथ जी राम लखन के बक्सर के धरती की ओर भेजनी है, तेरी के भाव लगल मैं।
अरे भैया धन उधारी धन्या कही ले बागसर के अब सवरिया रे राम रे धन उधारी धन्या कही लनी बागसर के बाबा विश्वामित्र के विश्व रहिया भारी बक्सर में राम के लेके विश्वामित्र जी अलन आए बक्सर नगर के धन कैलन जौनी समय महात्मा जी राम लखन के लेके आई बन ताड़िका सुबाहू हहास बांध के अपन बाँस चलल परोताकार ताड़का को देख परोताकार ताड़का को देख विश्वामित्र जी घबराए हैं एक बाण में प्राण लेकर वीरता राम दिखाए हैं मरा सुबाहू सेना के संग मरा सुबाहू सेना के संग मारी समुद्र पार भइल अजग करौते राम के जय 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 विश्वामित्र जी जो इस समय राम लखन के लेके आई बड़न भैया ताड़िका सुबाहू अपन हहास बांध के बहुत विकराल रूप बना के बांसा चला विश्वामित्र जी कलन की देखो राम ताड़का आ रही है भगवान राम अपन धनुष बाण बांध उठैले आ ताड़िका के ऊपर अपन निशाना बांध दिले बाण निशाना पहले हुआन जब ही बाण ताड़का के सिर में लगल ताड़िका है दुनिया के छोड़ करके चल बसल सुबाहू के भगवान राम मरनी हा आ मारी कैसन बाण मरनी की उ सीधा जाके लंका में गिरल आ रावण से सारी बात बतौले बा कि भगवान राम के जन्म हो गई बा आ महात्मा विश्वामित्र जी के जग पूरा हो गया जोन बात अवन विश्वामित्र जी राम लखन के लिया के जग के पूरा कैनी हा आ जनकपुर ले निमंत्रण आइल बाटे धनु जग के महात्मा जी भी राम लखन के लेके बानी जात अरे चल ले जानकपुर रघुदाई जनकपुर में लेके आइल बड़न राम राम के साथ में बड़न लखन लाल विश्वामित्र जी जौन समय लेके आइल बड़न देश देश के राजा लोग आइल बा कैसे दस दस के फुफल जुटले के हुसैना धनुषा उठले देश के राजा लोग बाटे जुटल मगर कौनो वीर से धनुष नहीं खे उठत जनक जी खिसिया गेलन कलन के रे राजाओं महाराजाओं अगर मैं जानता कि ये धरती वीरों से विहून हो गई है तो मैं ये धनुष जग किया ही नहीं रहता यानी कि मैं सीता स्वयंवर किया ही नहीं रहता आज जौनी समय ये बात के लखन लाल बाणा सुनत कलन की महाराज जनक ऐसा बोलनी तो बोलनी
फिर इसने रो बात मत बोलो। अभी हमारा रघुकुल के ताज आज भगवान श्री रामचंद्र जी ऐजे बानी लखन लाली बात करण की महाराज ऐसा उरा बात मत बोली। अभी हमारा रघुकुल के ताज जब भगवान राम बैठल बड़न ऐसा धनुष कर उरा बात कहता नहीं। अभी हम चाहे तो धरती के हम जन बात तहस तहस मिला के कर दी। विश्वामित्र जी जलन की तो काम बिगड़ी भैया कलन की हे राम राम उठा बबुआ तनी उठा आ तनी जाके धनुषिया का जमाओ। भैया विश्वामित्र जी के बात मान के आज भगवान रामचंद्र जी अपने गुरु के नमस्कार कहनी हा आ धनुष की ओर धीरे धीरे बढ़नी आ धनुष की ओर धीरे धीरे बढ़नी हा आ धनुष के प्रणाम करके आज भगवान राम चंद्र जी धनुष के जे भी उठैनी आ जे उठैले बानी ते जन बात धनुष अपन मन टूट के दू खंड में बिखर गई। आ जब समय दू खंड में टूट के बिखर गई यानी कि भगवान राम के शादी सीता माता के साथ हर जन बात धनुष बाटे टूटल। अयोध्या में खबर आई बा महाराज दशरथ जी के पास यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मार साहेब। अरे जिया भैया अरे कह तू ताए गोरी तोहरा गोली आईती जाईती छत पासे कर तू हालो हालो ए थमक छैलो अरे जियो टाइगर ई तो रहल तरज बाकी आइल बटे खबर अयोध्या में। अरे आइल खबर तब अवधाना पहिरले बारा माला सगरो हाला भैले राजा दशरथ चलले शादी के बहुत सुंदर बरात बिया निकलल भगवान राम बनल बड़न दुल्हा बरात पाछा पाछा बिया धीरे धीरे बरात जनकपुर में आ गुल बा जनकपुर में आइल बटे बरात। धनुष जब राम ने तोड़ा बरात सज धज के आइल लगा जब द्वार का पूजा बरात समियाने में आई। भगवान राम के जोन बात और समियाना में बरात भी भैया टिकल हमने को गवैया भगवान राम के गीत गा रहा बाटे सेहरा कैसे गावता अरे आए हैं इस महफिल में अरे आए हैं इस महफिल में बड़े बड़े श्रीमान का सेहरा मेहमात जान की महल मेहमात जान की तंबू में भगवान का सहरा
एक और राजा जनक तो एक और राजा जनक अरे एक और राजा जनक एक और दशरथ खानदान का सेहरा अरे जिया लाल बहुत अच्छा क्या बात है सतानंद अरे एक और सतानंद एक और बसित गुरमान का सेहरा बहुत अच्छे क्या बात है लाल भैया भगवान राम के बरात आइल बे सब लोग खुशी मगन में बा आ एहवर जोन बात जोन भगवान राम के साथ ही सीता माता के साथ हो रहल बा अल्लाह के भाव लगल मर से अरे सीता सुहागिन भैली अरे सीता सुहागिन भैली राम का दूला हिंदी अरे भैया भगवान राम के शादी सीता माता के साथ भइल बा लखन लाल के शादी उर्मिला जी के साथ भइल बा आ भरत जी के शादी मांडवी के साथ भइल बा आ छोट भाई शत्रुघ्न जी के शादी सुत कृति के साथ भइल बा ए तरह चारों भैयन के शादी भइल आ महात्मा विश्वामित्र जी आज राक्षसन के नाश करे वाला जग कैले बानी बक्सर में आ चारों भैयन के शादी करे खड़ी के भाव लगल मर साहेब अरे भैया सभे लोग समझेला विश्वामित्र मुनि राई के बगसर में जा कैले अरे बगसर में जा कैले राम के ले आई के बगसर में भेटले आ तप भूमि बगसर के पावन बनैले अरे गंगा जल पिए लोग अरे भैया गंगा जल पिए लोग बगसर में जह गईले राम के बोलाई के गाना के लास्ट भाव भैया जय जखार स्वामी गुरजद्दू की लहरे फुलवा भैया धनुधारी धन्य कैले ब
बक्सर के राजा गोपाल संपाड़े नंद बिहारी हो धारी धान खाइले बक्सर के। अरे जिया भैया जिया जिया।